भारत में कई सभ्यताएं आई और गई, इन्हीं सभ्यताओं के साथ आई नई नई कलाएं, जिसने जनमानस में एक नई चेतना डाली। आज हम इन्हीं कलाओं पर घमंड करते हैं विश्व भर में। आखिर कौन थे जिन्होंने इन कलाओं को हजारों सालों से जीवित रखा और हम तक पहुंचाया? हम सबसे ज्यादा श्रेय ऋषि मुनियों को देते हैं, क्योंकि यही हमें बताया गया था। परंतु मित्रों, एक और वर्ग ऐसा है जो इस श्रेय का हकदार है, वो हैं देवदासियां। आज के इस वीडियो में मैं आपको देवदासियों के बारे में ही बताऊंगा और उनके योगदान के बारे में भी। देवदासी अर्थात देव की दासी, ये भगवान की शरण में चली जाती थी। इन्हें भगवान की पत्नी समझा जाता था। इसके बाद ये जीवित इंसान से शादी नहीं कर सकती थी, किंतु इन्हें मंदिरों में पूजा पाठ और देख रेख के लिए रखा जाता था। वे नाचने गाने जैसी 64 कलाएं सीखती थी। कालांतर में देवदासी प्रथा का राजनीतिकरण हो गया। इससे पहले उन्हें समाज में बहुत सम्मान मिलता था, क्योंकि यह माना जाता था कि वह उनके ईश्वरों के सबसे नजदीक मानी जाती हैं। जब बहुत से राजाओं ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध एवं जैन धर्म को अपना लिया, उनकी तरफ से मंदिरों को संरक्षण मिलना बंद हो गया। जो धन मंदिरों को आता था, अब वह बौद्ध भिक्षुओं को जाने लगा। इससे देवदासियों को अपना जीवन यापन करने के लिए धनी लोगों पर आश्रित होना पड़ा। उन्हें शारीरिक संबंध बनाने की छूट थी और वह बच्चे को भी जन्म दे सकती थी। यह प्रथा समाज से अछूती नहीं थी और इसे समाज में कानूनन मान्यता प्राप्त थी। एक समय पर चोल, चेल और पांड्य राजाओं के समय पर इस वर्ग को बहुत संरक्षण प्राप्त होता था और उन्हें देवताओं के सबसे नजदीक माना जाता था। कालांतर में जब मुगल हमारे देश पर आए और शासन करना उन्होंने प्रारंभ किया, तो उन्होंने बहुत से मंदिरों को तहस नहस किया और साथ में देवदासियों के साथ शोषण भी किया। उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाने लगा। आगे चलकर जब अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया, तो उन्होंने भी इस वर्ग को घृणा की नजर से देखना आरंभ किया और समाज में भी यही बात फैलाई। उन्हें वैश्या वृत्ति के रूप में दिखाया जाने लगा। लेकिन मित्रों, इन देवदासियों के कारण ही अनेक कलाएं ऐसी हैं, जैसे मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, राग, वाद्य संगीत, चित्रकला आदि देवदासियों के कारण ही हजारों सालों से जीवित हैं। हम सबसे ज्यादा श्रेय ऋषि मुनियों को देते हैं, लेकिन जो आप कलाएं देखते हैं, जैसे मोहिनीअट्टम, कथक, इन सब में हम देखते हैं कि ईश्वरों के जो कहानियां इन नृत्यकों के द्वारा दिखाई जाती हैं, वो सब इन्हीं देवदासियों ने संभाल कर रखी थी। इन कलाओं को लिपिबद्ध किया गया। उनके त्याग किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है। दक्षिण भारत में इसका प्रचलन बहुत था। चोल, चेल और पांड्यों के समय पर इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया। आजादी के बाद में इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। दक्षिण भारत में कर्नाटका ने इस प्रथा को 1982 में बंद किया। आंध्र प्रदेश ने 1988 में बंद किया। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशंस के कहना है कि आज भी कम से कम 5 लाख से ज्यादा देवदासियां मौजूद हैं। इसका एक कारण है हमारे देश की गरीबी और अंधविश्वास। गरीब माँ बाप अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बेच देते हैं, क्योंकि वह इतने गरीब होते हैं कि उनका लालन पालन नहीं कर सके। मित्रों, यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको बता सकूं कि हमने इस वर्ग को एक प्रकार से घृणा की नजर से ही आज तक देखा है, क्योंकि यही हमें बताया गया है। अगर आप देवदासियों की बात करें, तो यह
हिंदुस्तान में ही नहीं यूरोपियन कंट्रीज तक में है। मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताऊंगा, 300। यह आपने फिल्म जरूर देखी होगी। यहाँ पर भी जब लियोनाइडस युद्ध में जाने से पहले अपने देवताओं से बात करता है तो वह कुछ कुरूप से दिखने वाले, जो कि चित्रण किया गया है फिल्म में, उनके माध्यम से जो उनकी ओरेकल गर्ल्स होती हैं, उनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देवदासियां पूरे विश्व भर में थी। आज आप जो वेस्टर्न जो चर्चेस हैं उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ समाचार मिलते रहते होंगे, उनके पादरियों के द्वारा जो यौन शोषण होता है वहां की चर्चों की ननों का और छोटे छोटे बच्चों का। यह केवल पाश्चात्य सभ्यता ही ऐसी है जिसने हमारे देश की इन कलाओं को सृजित रखने वाले वर्ग को घृणा के नजर से हमको दिखाया गया है। जरूरत यह है कि हम अपने कला को समझें और इसका श्रेय ऋषि मुनियों के अलावा, अपने वेदों के अलावा इस वर्ग को भी देना आरंभ करें, क्योंकि सोच बदलेगी तो देश बदलेगा।